गाइज व्हाट्स अप वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल और आज ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होने वाला है दैट मींस कि हमारा चैप्टर ओए कंप्लीट होने वाला है ओए 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 बहुत बढ़िया तो चलो गाइस शुरू करते हैं लेकिन जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अपन लोग अपुन एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है आरहेनियस इक्वेशन का तो एन का एग्जाम्पल फोर पॉइंट वन में आपके साथ डिस्कस करूंगा यह बोल रेला है अपुन लोगों को कि एक केमिकल रिएक्शन हो रेली है जिसमें सी टू एच फाइव आई को यह लोग तोड़ रहे हैं सी टू एच फोर प्लस एच आई के अंदर ठीक है मैंने बोला कोई बात नहीं भाई तुम्हारी इच्छा जो करना हो करो ये बोलते हैं दैट एट 600 हंड्रेड यानी जब टेम्परेचर 600 हंड्रेड था सो द फर्स्ट ऑर्डर कॉन्स्टेंट सो द फर्स्ट ऑर्डर कॉन्स्टेंट सो द फर्स्ट ऑर्डर कॉन्स्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल आयोडाइड इनटू दिस एट सिक्स हंड्रेड कैलविन इज वन पॉइंट सिक्स जीरो इन टेन टू दी पावर माइनस फाइव पर सेकेंड मतलब के वन की वैल्यू हो जाएगी की वैल्यू हो जाएगी दिस इज योर के क्योंकि पर सेकेंड इसकी फर्स्ट ऑर्डर है तो ये क्या हो गया आपका आगे चलते हैं इट्स एक्टिवेशन एनर्जी इन्होंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है देट इज टू जीरो नाइन किलो जूस परमोल मेरे लालो मेरे नन्ने मुन्नो मेरे चोनू मोमू बच्चों मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं एक्टिवेशन एनर्जी जूल्स पर मोल में निकाली जाती है इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन जूल्स पर मोल लेकिन यहां पर क्या प्रॉब्लम है किलो जूल दे रखा है तो इसको पर मोल में ले जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा कर्तव्य है तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट अच्छा फिर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का बोल रहा है तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन एट 700, हंड्रेड ओके सेवन हंड्रेड पर आपको यह निकालना पड़ेगा ठीक है एक बात मैं आपको और बता दूं जब कभी भी अपनी एनर्जी जूल्स पर मोल में चलती है जो आर की वैल्यू होती है वो 8.314 जूल्स पर मोल पर कैलविन यूज की जाती है प्यारे बच्चों इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझो दो अलग अलग टेम्परेचर दे रखे हैं एक आपको वैल्यू दे रखी है के की दूसरे के की वैल्यू निकालना एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है हम लोग आरेनियस इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज एल एन के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू ई एन आर टी वन मल्टीप्लाई टी टू टी वन माइनस टी टू माइनस टी वन ये हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्योंकि यहां पर आपके पास में दो ये दे रखा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो के टू माइनस के वन इज इक्वल टू ई एपॉन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू मुझे इसे लॉग बेस टेन में ले जाना पड़ेगा ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इसे लॉग बेस टेन में ले जाना पड़ेगा तो जब मैं इसे लॉग बेस टेन में ले जाऊंगा और जब दोनों साइड को टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिलेगा लॉग बेस टेन के टू माइनस लॉग बेस टेन के वन इज इक्वल टू ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर ये फॉर्मूला में पिछले वीडियो में आप लोगों के लिए डिराइव ऑलरेडी कर चुका हूं लेकिन एक बार मैंने फिर आप लोगों को एक्सपांड करके लिखना सिखा दिया अब एक काम करो के वन की वैल्यू दे रखी है दिस इज लॉग के वन आई मीन दिस इज वैल्यू ऑफ के वन दिस इज टेम्परेचर टी वन दिस इज टेम्परेचर टी टू दिस इज आर दिस इज ई सारी वैल्यूज पुटअप करो तो ये आपको निकालना भी लॉग बेस्ड टेन के टू ही है तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ई ए की वैल्यू टू जीरो नाइन तो एक काम करता हूँ टू जीरो नाइन को अगर मैं थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जूल्स पर मोल में आ जाएगा एक किलो में हजार ग्राम्स होते हैं तो अपन ने इसको अगर मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड कर दे तो किलो हट जाएगा तो टू जीरो अपनी जगह पे है सेवन हंड्रेड टी वन क्या है सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाय सेवन सिक्स बाई सात सौ मल्टीप्लाई बाय छो से फोर्टी टू एक दो और उसके दो जीरो तीन चार और यहां पर ये माइनस की जगह ये प्लस लॉग बेस टेन और के वन की वैल्यू क्या है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस फाइव तो प्यारे बच्चों ये आपकी इक्वेशन बन के तैयार हो गई क्या यहां तक आई रिपीट किसी भी तरीके की आई रिपीट किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ठीक है यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कैसे हम लोगों ने वैल्यूज पुटअप करी ये चीज क्लियर हुई

लॉग बेस टेन वन की वैल्यू होती है जीरो और लॉग बेस टेन टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट थ्री जीरो मतलब की वैल्यू कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में होगी होगी या नहीं बिल्कुल होगी तो यहां पर हम लोग एक काम कर सकते हैं इसकी वैल्यू टू बी वेरी प्रिसाइड इट जीरो पॉइंट टू जीरो फोर वन पॉइंट सिक्स तक आ गए हो तो जीरो से जीरो पॉइंट थ्री के बीच की वैल्यू होगी तो पॉइंट सिक्स की जो वैल्यू होती है ये जो पॉइंट सिक्स की वैल्यू होती है दैट इज टू जीरो फोर तो मैंने क्या करा भाई लॉग वन की वैल्यू तो जीरो है तो लॉग वन की वैल्यू जीरो हो गई ये देखो जीरो और पॉइंट सिक्स की वैल्यू टू जीरो फोर तो जीरो पॉइंट टू जीरो फोर जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव में से जब आप टू जीरो फोर पॉइंट टू जीरो फोर जब आप निकाल दोगे तो यहां बचेगा सिक्स यहां बचेगा नाइन यहां बच्चे का सेवन माइनस फोर पॉइंट सेवन नाइन सिक्स तो यहां पर मैं लॉग बेस की जगह अब यहां पर मैं लिख सकता हूं is, is minus, तो यहां पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा माइनस सेवन नाइन सिक्स प्यारे बच्चों आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी चलिए वेरी गुड तो लॉग तो ने निपटा लिया लोग हो गया लोग अब इन लोगों की बात कर लेते हैं ओ, कैलकुलेटर कहाँ गया कहाँ गया ये रहा चलो मैं हमेशा कैलकुलेटर का यूज़ करता हूँ क्यों क्योंकि मेरे को बहुत प्यारी प्यारी फिर गालियाँ पड़ती है अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो इसलिए अपन बहुत डरता है बिडू चलिए तो जब अपन जब अपन इसको सॉल्व करेंगे सेवन हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड अपॉन दिस तो आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी जीरो अपन इसको यहां लिख देता है मल्टीप्लाई बाय अब अपन क्या करने वाला है देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेता है तो 8.314 2.303 इट इज इक्वल टू 1914 इसको अपन को इससे डिवाइड करना है तो अपन लिखता है 209 000 डिवाइडेड बाय 19.14 तो इसकी वैल्यू आएगी 10919.5 अपन इसको 109 टू जीरो को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहां लिख देते हैं मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करने पर वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट जीरो 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 टू थ्री इसको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू आ रही है माइनस टू पॉइंट फाइव मतलब टू पॉइंट फाइव तो यहां पर इज इक्वल टू मैं यहां लिख देता हूं प्यारे बच्चों टू लॉग बेस टेन के टू की वैल्यू क्या आ रही है टू पॉइंट फाइव वन माइनस फोर पॉइंट सेवन नाइन सिक्स इन दोनों को जब अपन सॉल्व करेंगे माइनस माइनस फोर पॉइंट सेवन नाइन सिक्स तो इट इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट टू एट सो फाइनली लॉग बेस टेन के टू की वैल्यू कितने बराबर आ रही है माइनस टू पॉइंट टू एट के बराबर आ रही है क्या यह चीज मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक क्लियर हो गई क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत तो माइनस

प्लस भाई जब थ्री में से आप टू पॉइंट टू एट माइनस करोगे क्या मिलेगा कर टू और पॉइंट सेवन टू तो आप समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को क्या इसके अंदर कोई दिक्कत किसी तरीके की कोई परेशानी कोई वांदा चलिए वेरी गुड जब ये माइनस थ्री है तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता लॉग बेस टेन टेन टू तो दावर माइनस थ्री बिल्कुल लिख सकता हूं प्लस बेटा जीरो पॉइंट सेवन टू यहां तक मुझे याद है वैल्यू जीरो पॉइंट सेवन सेवन होती है और यह वैल्यू उसके करीब है इसलिए पावर माइनस थ्री लॉग बेस टेन ये कॉमन निकल जाएगा तो एंटी लॉग से लॉग कट जाएगा तो अल्टीमेटली लॉग का जब आप एंटी लॉग लोगे तो वैल्यू क्या आएगी सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री पर सेकेंड और तेरी क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो बल्ले पुर्र क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है आंसर हमारा आ चुका है और बेहतरीन मजा आ चुका है क्या इसके अंदर कोई दिक्कत है बोलो बोलो मेरे प्यारे बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन था लॉग एंटी लॉग पर वीडियो अपन डाल चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर प्यारे बच्चों वहां से आप लोग एंटी लॉग का वीडियो देखो ये जो मैंने यहां पर केस करा है ये मैंने कैसे किया है इसको जरा वहां पर देखो उस एक वीडियो के अंदर आपको सारी चीज मिल जाएगी तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आ सकते हैं नाउ फटाफट आफ्टर छपिंग दिस टॉपिक हम लोग कोलिशन थ्योरी और कैटेलिस्ट का रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है तो देखना स्टार्ट करते हैं तो लेट्स रब दिस इसको अपन रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर लेट्स मूव द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर दिस आवर चैप्टर विल बी ओवर चैप्टर खत्म पैसा हजम आगे बढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर इसके बाद काफी बच्चे फिर भी मुझसे कहेंगे सर कंप्लीट दिस चैप्टर बड़ा दुख होता है जब नन्हे मुन्ने बालक मुझसे कहते हैं सर आपने चैप्टर तो कंप्लीट किया ही नहीं और मैं उसको पंद्रह दिन पहले कंप्लीट करके बैठा हूं तो यहां पर यहां पर दुखता है आ, ऐसा होता है ठीक है चले तो नेक्स्ट वेर गु टॉक अबाउट

कोऑर्डिनेट्स यहां पर मैं लिखूंगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और प्यारे बच्चों यहां पर मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी यह इन दोनों के बीच में था यह ग्राफ इन दोनों के बीच में था और ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा था ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था ये आपका ग्राफ था ये इस तरीके से यहां पर आपके रिएक्टेंट्स थे यहां पर आपके प्रोडक्ट्स थे यहाँ पर ये जो एनर्जी अपन ने यहाँ पर ये जो एनर्जी मार्क की थी ये हम लोगों ने प्रोडक्ट की एनर्जी मार्क करी थी और यहाँ पर हम लोगों ने एनर्जी रिएक्टेंट की मार्क करी थी दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का जो डिफरेंस था दैट इज़ डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट प्यारे बच्चों ये बात अपन ने कर ली थी और हम लोगों ने ये भी देखा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि ये रिएक्टेंट की एनर्जी है लेट से ये रिएक्टेंट की एनर्जी में यहां पर मार्क करता हूं से लेकर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए यानी कि इस थ्रेश पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको लगता है एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी जिसको आपने ई ए, ए से डिनोट किया था यहां तक कि हम लोगों ने बात कर ली थी लेकिन बच्चों आप यहां पर देखो ये जो एक, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ये जीरो नहीं है यहां पर जो आपकी एनर्जी है यहां पर आपकी एनर्जी जीरो होनी चाहिए तो यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा जो पिछले वीडियो में बतानी रह गई थी जीरो से लेकर थ्रेश पॉइंट तक जीरो से लेकर यहां पर जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है इस पॉइंट तक की जो एनर्जी होती है इस पॉइंट इस पॉइंट से जीरो से लेकर एक्टिवेशन एनर्जी तक की जो एनर्जी होती है यानी आप एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या समझे थे कि रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी मौजूद है वो बिल्कुल भूखा नंगा नहीं बैठा हुआ है कि उसके पास कुछ भी नहीं है रिएक्टेंट के पास एनर्जी है जो जीरो से ज्यादा है तो रिएक्टेंट की एनर्जी को हमें कितना बढ़ाना है थ्रेश होल्ड पॉइंट तक बढ़ाना है तो यहां से यहां तक की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी लेकिन अगर मैं जीरो से लेकर इस पॉइंट तक की एनर्जी बोलूं तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज थ्रेश होल्ड एनर्जी इस एनर्जी को क्या बोला जाता है थ्रेश होल्ड एनर्जी फ्रॉम जीरो पीकेस्ट पॉइंट पीकेस्ट पॉइंट क्या होता है भाई टू द दीक जी नाउ गाइस कैटेलिस्ट का क्या काम है वॉट डू यू मीन बाई कैटेलिस्ट तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना कैटलिस्ट एक पंडित जी की तरह होता है जो आता है दूल्हा दुल्हन की शादी कराता है और चला जाता है अगर पंडित नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी अगर पंडित आएगा तो ही शादी होगी दूसरी बात आप पंडित जी को जितनी ज्यादा दक्षिणा दोगे पंडित जी उतनी जल्दी आपकी शादी करा देंगे पंडित जी को आप जितना परेशान करोगे पंडित जी शादी कराने में उतना लेट करेंगे तो पंडित जी कैन अफेक्ट द रेट ऑफ योर शादी जितनी जल्दी या जितनी धीरे शादी करनी हो पंडित जी पर छोड़ दो तो कैटलिस्ट क्या है पंडित जी है जो शादी के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है दूसरी बात क्या आपने कभी देखा कि पंडित आया और दूल्हे को लेके भाग गया कि मेरे को तो दूल्हा बहुत स्मार्ट लग रहा है पंडित जी बोले मैं तो दूल्हे से शादी करूंगा नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ पंडित जी या दुल्हन को भगा के ले गए क्या ऐसा हुआ नहीं ऐसा भी कभी नहीं हुआ मतलब कैटेस्ट यानी कि पंडित जी डू नॉट पार्टिसिपेट इन शादी पंडित जी शादी में पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि वो पंडित है वो तुम्हारी तरह ठड़की नहीं है कि गए और दुल्हे या दुल्हन को लेकर भाग गए नहीं 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 पंडित जी इज नॉट दैट मच थर्की तो पंडित जी क्या करेंगे शादी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे खुद शादी करने नहीं बैठेंगे वो शादी करवा के चले जाएंगे जिस हिसाब से वो शादी में घुसे थे वैसे ही वो शादी से बाहर भी आ जाएंगे आई बात समझ में तो कैटेलिस्ट का काम भी यही है कैन मतलब का काम यही है कि वो केमिकल रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता तो अपन यहां पर कैटलिस्ट का एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं दैट कैटलिस्ट कैटलिस्ट आर द सबस्टांसेस कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन विदाउट केमिकली विदाउट केमिकली पार्टिसिपेटिंग इन इट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन इट दैट इज कॉल्ड एस कैटलिस्ट मेरे को एक बात बताओ कि क्या अभी अभी एनसीईआरटी के अंदर कोई नई चीज़ ऐड हुई है बच्चे मेरे को बोल रहा है कि आ, सर आप ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हो तो अब यार कोई नई तुमने चीज़ ऐड कर दी हो कोई नई डिस्कवरी कर दी हो तो मुझे बता दो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा मैं एक दिन में तीन वीडियो डाल रहा हूं तो क्वांटिटी पर डिपेंड मत करो क्वालिटी पर डिपेंड करो तो इसके अलावा और क्या क्वालिटी दो बच्चों मुझे वो बताओ मैं वो करूंगा ज्ञान मत बांटो बड़ा दिखता है बड़ा दुखता है यहां पर ए मजाक कर रहा हूं सीरियसली मत लेना ठीक है पर पहले तुम पहले पूरी रिसर्च किया करो चैनल पे चैनल पर आओ देखो समझो उसके बाद लिखो क्या है कि अपने को लिखना तो है नहीं नेता बनना है क्या बड़े होके नेता बनना हो तो फिर करो फालतू उटांग नेता बनना चाहते हो क्या तो ठीक है नहीं तो पहले रिसर्च करो उसके बाद बात करो ठीक है तो कैटलिस्ट का काम समझ में आ गया कैटलिस्ट क्या करना चाहता है केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है बिना केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे क्या यह चीज क्लियर है चलो बहुत बढ़िया अब हम लोग इफेक्ट पढ़ने वाले हैं कैटलिस्ट का और आर के कर्व को ध्यान में रखते ही पढ़ेंगे कैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक पहाड़ी है यह एक पहाड़ी है और हमें इस तरफ पहुंचना है एक पहाड़ी और हमें इस तरफ पहुंचना है अभी है ना बहुत प्यारा एक दिन मैं कोई सा चैनल देख रहा था उसके अंदर क्या था दो लोग खड़े थे ठीक है दो लोग यहाँ पर खड़े थे इस तरीके से और उनके हाथ में ये रस्ती थी एक इंसान यहाँ खड़ा था और एक इंसान यहाँ खड़ा था और इनके हाथ में ये रस्सी थी और यहां पर आपका वो कोरोना वायरस था ठीक है यहां पर आपका कोरोना वायरस था इस तरीके से तो जैसे जैसे ये दोनों पास आ रहे थे जैसे जैसे ये दोनों पास आ रहे थे ये ऊंचा उठता जा रहा था और कोरोना बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसको बहुत सारी स्पेस मिल रही थी इस तरीके से ठीक है लेकिन जैसे ये दोनों दूर हुए जैसे ये दोनों दूर हुए अब जैसे इन्होंने उसको दूर करा तो दूर करने की वजह से क्या हुआ ये रस्सी इन्होंने खींची तो रस्सी खींचने की वजह से रस्सी तो बढ़ी गई तो रस्सी खींचने की वजह से क्या हुआ रस्सी छोटी हो गई तो छोटी होने की वजह से सारे कोरोना जो थे वो सब दब गए वो सब जमीन पर दब गए तो उन्होंने कहा मैसेज था कि अगर आप ज़्यादा क्लोज आओगे तो कोरोना बढ़ेगा ज़्यादा दूर जाओगे तो कोरोना घटेगा समझ में आ रही बात यह अपने साइंस की लैंग्वेज में बताया था तो बहुत अच्छा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो यानी सोशल डिस्टेंसिंग जितनी रखोगे उतना ज़्यादा कोरोना दूर खत्म होता जाएगा तो कुछ इसी तरीके का ग्राफ हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं तो ये आपका ग्राफ है ठीक like है? अब आपको क्या करना है आपके पास में आपके यहां पर टीम खड़ी है पचास लोगों की टीम है और आपको इस ग्राउंड पर खेलने जाना है यहां पर आपकी पचास लोगों की टीम खड़ी है और आपको इस ग्राउंड पर खेलने जाना है ना प्रॉब्लम क्या है यह पहाड़ की चोटी बहुत ज्यादा ऊंची है आप चढ़ जाओगे आपके कुछ दोस्त चढ़ जाएंगे लेकिन पचास के पचास लोग यहां पर चढ़ के यहां से उतर नहीं सकते तो आपने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे तो आप में से किसी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इस पहाड़ की चोटी को कट कर दिया जाए तो आप लोग गए आपने जेसीपी वाले को बोला कि भैया जेसीपी अंकल जेसीपी अंकल चलो उनने बोला चलो अपन भी फोकते हैं अभी तो आपने क्या करा पहाड़ की चोटी कटवा दी तो अब क्या हुआ पहाड़ की चोटी कम होने की वजह से सारे लोग ऊपर चढ़ के इधर आ गए सारे लोग ऊपर चढ़ के इधर आ गए मतलब आपने करा क्या आपने जो पहाड़ की चोटी थी उसको कम कर दिया Now इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं वापस से यह कर्व बनाऊं जिसमें अपन रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स लिखे पोटेंशियल एनर्जी लिखे और एक ग्राफ बनाए कुछ इस तरीके का वो ग्राफ होगा यहां पर आपके रिएक्टेंट्स होंगे यहां पर आपका प्रोडक्ट होगा एंड दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी पॉइंट ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा अब अगर आप केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट के आते ही क्या होगा कैटलिस्ट इस केमिकल रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा दिस इज़ योर न्यू एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या करेगा आपके एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा दिस इज योर न्यू एक्टिवेशन एनर्जी क्या बात समझ में आ गई ये कैसी एक्टिवेशन एनर्जी थी ओल्ड एक्टिवेशन एनर्जी थी जो कि कैसे वर्क कर रही थी जो कि विदाउट कैटलिस्ट काम कर रही थी तो जब आप केमिकल रिएक्शन को बिना कैटलिस्ट के करोगे जब आप केमिकल रिएक्शन को बिना कैटलिस्ट के करोगे तो आप देखो आपको कितनी ज्यादा आपको कितनी ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ रही थी ये देखो आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी बिना कैटलिस्ट लेकिन जैसे ही आपने कैटेलिस्ट डाला आप देखो एनर्जी ऑलमोस्ट हाफ हो गई मतलब अब क्या होगा आपको आपको एनर्जी तो अभी भी देनी पड़ेगी लेकिन पहले पहले से कम इसका मतलब यह है कि पहले आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बहुत ज्यादा देर तक रिएक्शन करनी पड़ेगी जब बहुत टेम्परेचर दोगे तब धीरे 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 वो इस पॉइंट को छुएगा और उसके बाद इंटरमीडिएट बनाएगा और फिर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा लेकिन कैटेलिस्ट ने क्या करा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया अब आपने जैसे टेम्परेचर दिया तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही आप एक्टिवेशन पॉइंट पर पहुंच गए आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंच गए जैसे थोड़ी सी एनर्जी आपने दी आप थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंचे प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएगा तो यहां पर क्या हुआ उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया तो यहां पर हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे दैट द कैटलिस्ट कैटलिस्ट एक्चुअली ऑल्टर्स कैटेलिस्ट एक्चुअली ऑल्टर्स द ई एनि एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज कैटलिस्ट डिक्रीजेस द कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी कैटेलिस्ट क्या करेगा डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी दे आर फोर इट कैन बी अचीव्ड दे आर फोर इट कैन बी अचीव्ड वेरी अर्ली यानी आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्टिवेशन एनर्जी को अचीव करने में हमें इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा उसके लिए हमें इतनी देर रुकना पड़ेगा लेकिन कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट को ही कम कर दिया एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर दिया तो अब आप उसको एक्सपेक्टेशन से ज्यादा जल्दी अचीव कर लोगे एंड हेंस प्रोडक्ट्स कैन बी ऑप्टेंड एंड हेंस प्रोडक्ट कैन बी ऑप्टेंड कैन बी ऑप्टेंड एट अ फास्टर रेट जल्दी बन वो ऐसे ही होगा। तो बच्चों यही काम करेगा काम क्या होगा कैटेलिस्ट क्या आपके एक्टिवेशन एनर्जी को वक्त से पहले ही आई I मीन mean, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए उसको डिक्रीज कर देगा जिसकी वजह से आप उसे जल्दी अचीव कर पाओगे कम टेम्परेचर में अचीव कर पाओगे तो हो गया ना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट क्या ये बात समझ में आ गई क्या इसके अंदर कोई दिक्कत न हो गई ऐसे कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दे वॉट आर पॉजिटिव कैटलिस्ट मैं यहां लिख देता हूं दीस कैटलिस्ट दीज़ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को बढ़ा दे उन्हें बोला जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट। जल्दी से उसको जरा नोट करेंगे पहले ठीक है अब प्यारे बच्चों अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट नाम की कोई चीज है तो फिर नेगेटिव कैटलिस्ट भी कुछ होना चाहिए भाई अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी तो होंगे उनका काम खराब करने वाले सो नो डाउट बुरे लोग भी होंगे जो काम खराब करेंगे तो अब ऐसा इमेजिन करो कि ये एक्टिवेशन एनर्जी जो काले मार्कर से बनी है ये ओल्ड एक्टिवेशन एनर्जी है जो कि कैसे काम कर रही है विदाउट कैटलिस्ट काम कर रही है अब आपने इसमें कैटलिस्ट डाला तो कैटलिस्ट डालने के बाद क्या हुआ जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाला तो उस कैटलिस्ट ने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया मतलब यहां पर ग्राफ उल्टा हो गया अब ये ग्राफ विद कैटलिस्ट वाला ऊपर आ गया और विदाउट कैटलिस्ट वाला नीचे आ गया यानी पहले विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम थी और आपको प्रोडक्ट मिल गया लेकिन आपने जैसे कैटलिस्ट डाला जैसे ही आपने उसमें कैटलिस्ट ऐड किया एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई इंक्रीज हो गई मतलब आप केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा पहले तो आप जरा सी देर में थोड़ी सी देर में एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाते थे और प्रोडक्ट मिल जाता था लेकिन कैटलिस्ट ने क्या करा एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट को बड़ा कर दिया बड़ा करने की वजह से क्या हुआ अब आपको वहां तक पहुंचने में समय लग रहा है आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है तो ज्यादा टेम्परेचर देने के लिए आपको टाइम लगेगा और उस वजह से आप केमिकल रिएक्शन का रेट स्लो हो गया तो सच कैटलिस्ट आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखिएगा व्हाट आर नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट दीज कैटलिस्ट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या ये बुरे हैं नहीं ये बुरे नहीं है बिल्कुल ये बुरे नहीं है ये हमारे काम के हैं मैंने आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले केमिकल कैनेटिक्स पढ़ाने से पहले शुरुआत में एक बात बोली थी हा कि दुनिया में ऐसी भी केमिकल रिएक्शन होती है जो बड़ी जल्दी हो जाती है और हमें अगर उनकी स्टडी करनी है तो वो इतनी जल्दी खत्म हो जाती है कि प्रोडक्ट बन जाता है तो हम उसके अंदर कुछ ऐसे कैटलिस्ट मिला दें जो उसके रेट को स्लो कर दे ताकि हम उसकी स्टडी कर सके तो नेगेटिव कैटलिस्ट भी आपके काम के होते तो बच्चों दिस इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट पक्की बात चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार तरीके से आप लोग सीख रहे हो बहुत मजा आ रहा है और इसीलिए आपको मिलता है कुछ नहीं आपको मिलेगी मेरी तरफ से शाबाशी बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अच्छा बच्चों एक बात और समझेंगे आप लोगों को कई बार जेई और नीड के अंदर आप लोगों को एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंड आप लोगों को एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ग्राफ आ सकता है आरेनियस इक्वेशन का प्यारे बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज हीट इज रिलीज मतलब आपको हीट क्या करनी है रिलीज करनी है और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है हीट इजॉर्ब यानी यहां पर अपने को हीट को क्या करना है अब्जॉर्ब करवाना है तो अब आप यहां पर ध्यान से इस कर्व को समझने की कोशिश करेंगे देखो ये मैंने कर्व बनाया यहां पर अपने रिएक्शन कॉर्डिनेट्स रहेंगे यहां पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी बड़े ध्यान से बड़े गौर से इस कर्व को देखेंगे लेट से ये ये पॉइंट आपके रिएक्टेंट की एनर्जी का पॉइंट है दिस इज योर रिएक्टेंट एनर्जी नाउ बच्चों एक बार ध्यान रखना रिएक्टेंट की एनर्जी को अब आप बढ़ाना शुरू करोगे नो no डाउट ये बड़ी ये एक्टिवेशन एनर्जी के पॉइंट पर पहुंच गई यहां पर इंटरमीडिएट बन गया प्रोडक्ट बनना चालू हुआ अब अगर ये कर्व नीचे की तरफ आ जाए इतना नीचे आ जाए कि यहां पर आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हो तो जब आप प्रोडक्ट की एनर्जी को पूरी तरीके से बनने के बाद इस ग्राफ में यहां पर प्लॉट करोगे तो आपको मिलेगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो इस वाले कर्व के अंदर एज यू कैन सी ई आर और ई e पी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा वो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा पॉजिटिव तो डेल्टा ई इज इक्वल टू नहीं मुझे पॉजिटिव नहीं बोलना चाहिए हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सॉरी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में से एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग माइनस करते हैं वी ऑल नो दिस पॉइंट कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट की एनर्जी को घटा दो अब यहां पर आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है तो अगर मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी 100 किलो जूल्स पर मोल है, है ना और प्रोडक्ट की एनर्जी मान लो 50 किलो जूल्स पर मोल हो गई तो 50 में से जब आप 100 को घटाओगे तो आपको माइनस वैल्यू मिलेगी और हम लोग सब जानते हैं थर्मोडाइनमिक रूल के हिसाब से डेल्टा ई अगर नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन क्या होगी एक्सोथर्मिक तो प्यारे बच्चों अगर आपको जेई e के अंदर इस तरीके का ग्राफ दिखता है और आपसे पूछता है कि आप इस ग्राफ को देखकर बताओ दैट व्हाट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस तो आप बोलेंगे द केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक क्यों क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है मतलब रिएक्टेंट के अंदर जो एनर्जी थी प्रोडक्ट बनने के बाद उन्हें वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो डेल्टा ई दिख रहा है वो भी सब रिलीज कर दिया नेगेटिव हो गया क्या ये बात समझ में आ गया मेरे को आगे बढ़े और बहुत शानदार मेरा छू से वाम के गुटले रियक्शन कोर्डिनेट्स वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी एक आध ग्राफ फिर बनाते हैं तो लेट से ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है एनर्जी दी एक्टिवेशन एनर्जी दी और कर्व बन के यहीं पर रुक गया तो दिस इज योर प्रोडक्ट तो जब आप प्रोडक्ट की एनर्जी को ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो क्या होगा जरा देखें तो so ये होगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट नौ प्यारे बच्चों यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस डेल्टा ई है यहां पर भी अपन डेल्टा ई लिखेंगे इसको तो यहां पर आप देख रहे हो दैट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो जब आप एनर्जी का डिफरेंस निकालोगे यानी कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो ये ज्यादा होने की की वजह से मतलब आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मान लो 100 किलो पर पर मोल रिएक्टेंट 50 50 थी तो यहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली यहां पर डेल्टा ई पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक के लिए हमेशा हम लोग जानते हैं डेल्टा ई क्या होता है पॉजिटिव मतलब वो एनर्जी को अब्जॉर्व करता है देखो बेटा थर्मोडाइनेमिक्स सीधा सीधा कंसेप्ट है नेगेटिव का मतलब नुकसान होना लॉस होना बाहर निकलना नुकसान हो जाना तो भैया जब एनर्जी बाहर जाएगी तभी तो आसपास का एन्वायरमेंट गर्म करेगी और जब एनर्जी अब्जॉर्ब होगी यानी जब मैं सराउंडिंग से एनर्जी खींचूंगा तो आसपास ठंडा हो जाएगा मेरी बॉडी गर्म हो जाएगी तो डेल्टा ई पॉजिटिव का मतलब मैं एनर्जी खींच रहा हूं डेल्टा ई नेगेटिव का मतलब मैं एनर्जी छोड़ रहा हूं तो ये दो कर्व ध्यान रखना जब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी मतलब एंडोथर्मिक उसने एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी मतलब एक्जोथर्मिक उसने एनर्जी रिलीज कर दी ये तो ग्राफ भी मेरे लाडले मेरे चोमू मोमू बच्चे इसको ध्यान रखेंगे इसको छापेंगे और फिर चलते हैं ओरिएंटेशन बेरियर की तरफ प्लीज नोट इट डैम ओके ओए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे कॉलिजन थ्योरी की सनी पाजी बॉबी पाजी धर्म जी चलिए तो टॉक अबाउट कोलिजन थ्योरी दिस इज़ द लास्ट टॉपिक कोलिजन थ्योरी प्यारे बच्चों ये बात अपन मॉलिक्यूलिटी के अंदर हल्की फुल्की सीख कर आए थे क्या याद करो मैंने आपसे कहा था कि अगर ए नाम का रिएक्टेंट बी नाम के मॉलिक्यूल के साथ या रिएक्टेंट के साथ जब कोलॉइड करेगा तो इनके कोलिजन से ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा और इन दोनों का कोलिजन जितना ज्यादा स्पीड में होगा जितनी ज्यादा जोर से होगा तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा मतलब दो लोग अगर पैदल चल के टकरा गए तो कुछ नहीं होगा साइकिल पे टकराए तो भी ज्यादा कुछ नहीं होगा लेकिन अगर दो स्पीड में आ रहे हैं तो अगर लेंबोर्ग्नी और फरारी में आ रहे हैं और दोनों आमने सामने टकरा गए तब तो प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है क्या बात समझ में आ रही है तो हम लोगों ने बोला था कि मोलिकुलेरिटी का मतलब होता है जब दो रिएक्टेंट या दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली एक पॉइंट पर आकर टकराते हैं दैट इज कॉल्ड एज और बच्चों कोलिजन थ्योरी भी यही कहती है कोलिजन थ्योरी का ये मतलब होता है या कोलिजन थ्योरी ये कहती है दैट इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट कोलॉइड्स प्रॉपरली व्हेन रिएक्टेंट कोलॉइड्स प्रॉपरली विल बी एबल टू गिव यू द प्रोडक्ट तो हम लोग इस चीज को यहां पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी द रिएक्टेंट्स द रिएक्टेंट्स मस्ट कोलॉइड द रिएक्टेंट्स मस्ट कोलॉइड विथ प्रॉपर स्पीड विथ प्रॉपर स्पीड एंड ओरिएंटेशन देखो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहां पर विथ प्रॉपर स्पीड एंड ओरिएंटेशन स्पीड का मतलब हम लोग जानते हैं कि बहुत स्पीड में टकराएंगे लेकिन ओरिएंटेशन क्या होगा दो सेकेंड बाद समझाऊंगा सर दो सेकेंड होगा समझाओ हा 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 कुछ देर बाद समझाऊंगा इसी वीडियो में विथ प्रॉपर स्पीड एंड ओरिएंटेशन सो दैट सो दैट सो नहीं प्रॉपर स्पीड एंड ओरिएंटेशन देन ओनली देन ओनली द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म देन ओनली द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म देन ओनली द प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म तभी प्रोडक्ट बन पाएगा अलावा उसके कोई चांस नहीं है क्या बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को क्या इसके अंदर कोई दिक्कत अब अगर हम इसकी तो इसकी को हमें इंटीग्रेट नहीं करना है कुछ नहीं करना है सिंपल हमें इसकी क्या करनावेशन देखनी तो के यानी रेट इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाई आप एक्सपोनेट टू द पावर माइनस इन आर टी मतलब यहां पर जो इक्वेशन है वहां पर आर फैक्टर था यहां पर इसे क्या बोला जाएगा कोलिजन फैक्टर क्या बोला जा सकता है इसको कोलिजन फैक्टर यानी कि एक ऐसा फैक्टर जो कि क्या प्रमोट कर रहा है कोलिजन तो यहां पर इसको कोलिजन फैक्टर भी बोल सकते हैं या कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं कोलिजन फैक्टर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी यहां पर यहां पर इस इक्वेशन को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसमें होने वाले कोलिजन के ऊपर डिपेंड करेगा यानी कितने सही तरीके से कितने सही टाइप के कोलिजन हो रहे हैं कितने प्रॉपर स्पीड से और प्रॉपर ओरिएंटेशन से ए और बी के मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं वही प्रोडक्ट देंगे अगर उठपटांग टाइप का कोलिजन हो गया कम स्पीड में कोलिजन हो गया उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं रहा तो वो प्रोडक्ट नहीं देंगे तो फिर रेट भी अफेक्ट होगा तो ये इक्वेशन आपको बताती है यहां पर अगर आपने Z लगा दिया अगर आपने Z लगा दिया तो वो क्या बता रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करूं तो इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कोलोइडिंग इन गिवन वॉल्यूम इन अ गिवन वॉल्यूम एक गिवन वॉल्यूम के अंदर एक गिवन वॉल्यूम के अंदर या क्यूब हो वन मीटर क्यूब हो जैसे मैंने बोल दिया कि ये वन सेंटीमीटर क्यूब का मेरे पास में वॉल्यूम है ये क्यूब का वॉल्यूम वन सेंटीमीटर क्यूब है वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर तो इसके अंदर कितने सारे इफेक्टिव कोलिजंस हो रहे हैं कितने सारे सही सही टाइप के कोलिजन हो रहे हैं वो कहलाएगा मेरा कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या बात समझ में आ गई तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी कि एक गिवन वॉल्यूम के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रॉपर्ली कोलाइड हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों के सो so, k ze to the पावर -ea rt अब ये आपको एक मिनट होमवर्क देता हूं कि क्या आप इसे इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख सकते हो भाई इंटीग्रेशन करना ये हो जाएगा इज इक्वल टू अपॉन भाई करना क्या है इसको इंटीग्रेट करना है और फिर अगर आप इसको लॉग बेस में कन्वर्ट करना चाहो तो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो बहुत ईजी है बहुत ही ज्यादा ईजी है अब अगर अपन आगे बढ़े तो यहां पर मैं आपको समझाऊंगा ओरिएंटेशन बेरियर यहां पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है यहां पर आ जाता है ओरिएंटेशन बैरियर यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा ओरिएंटेशन बैरियर मतलब कि आपके मॉलिक्यूल जो कोलॉइड कर रहे हैं अगर उनका ओरिएंटेशन सही नहीं है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक रिएक्टेंट है जिसका नाम है सी एच थ्री बी आर बेटा बी आर आप लोग हमेशा जानते हो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन तो इस बी आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज चलेगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चलेगा और यहां से आ रहा है एन एच यहां से कौन आ रहा है एनओ एच हम लोग सब जानते हैं एन एच के ऊपर तो पूरा नेगेटिव चार्ज होता है तो इट इज अगेटिव बॉडी तो अब आप समझो अगर अगर ये दोनों बिल्कुल आमने सामने ही आकर टकरा गए तो इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव पोर्शन इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोर्शन से टकरा गया तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेगा दैट मींस यहां का ओरिएंटेशन सही नहीं है इसलिए यहां पर आपको क्या मिलेगा नो प्रोडक्ट यू विल गेट नो प्रोडक्ट क्या है बात समझ में आ गई कोई दिक्कत पक्की बात लेकिन अगर ये कुछ ऐसा हो तो बी आर सी एच थ्री प्लस NaOH तो अब NaOH का नेगेटिव पार्ट इस कार्बन को पॉजिटिव पार्ट को देख रहा है ओ ललचा रहा है इसको देखकर और सीधे जाकर इस पर अटैक करेगा अटैक करने की वजह से क्या होगा सबसे पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी Br H H H OH पहले इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी और बाद में ये OH इस Br को बाहर निकालकर कर यहां पर बन जाएगा C H और एच OH यहां जुड़ जाएगा और ये इसके के साथ मिलकर बाहर हो जाएगा मतलब आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया तो यहां वाले केस केस में में यहां वाले ओरिएंटेशन प्रॉपर था इसलिए प्रोडक्ट मिला यहां पर ओरिएंटेशन गलत था इसलिए आपको यहां पर कोई प्रोडक्ट नहीं मिला तो ये ओरिएंटेशन बैरियर प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छा इस रिएक्शन पर ज्यादा फोकस मत करना ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में सीखेंगे पूरा मिकेनिज्म है इसका

कोलाइड तो ये भी करेंगे इनके कोलिजन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है क्या नहीं तो प्योरली जेड बोलना सिर्फ कोलिजन पर डिपेंड करना गलत है हमें यहां पर एक प्रोबेबिलिटी भी ऐड करनी पड़ेगी तो इस इक्वेशन को अपन रीमॉडिफाई करके लिखेंगे पी ए बी यानी दिस इज कॉल्ड एस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन यानी दिस इज कॉल्ड एस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ ए एंड बी यानी ए और बी की कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या है कितनी प्रोबेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी, भाई एक वॉल्यूम एक गिवन वॉल्यूम में अगर मान लो दस पार्टिकल टकरा रहे हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट कोलिजन लिखना चाहिए बिल्कुल सही कोलिजन कितना होगा आठ का या प्रोबेबिलिटी हो गई एट परसेंट या पॉइंट एट तो उस हिसाब से आपको इसको मल्टीप्लीकेशन में लेना पड़ेगा एंड ई टू द दावर माइनस इक्वेशन क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई तो गाइस विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर हमारा यहां पर चैप्टर कंप्लीट हो गया प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और देखो हां मैं आपको बता दूं मैं रिवीजन का वीडियो भी बना दूंगा तुरंत इस चैप्टर को कंप्लीट हो चुका है अपन एक रिवीजन का वीडियो भी देखेंगे इसके अंदर रिविजन के अंदर में आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ ग्राफ तो देखेंगे अगर बनाना होगा तो बनाएंगे इसकी जरूरत नहीं है वो सारे फॉर्मूलेस एक एक बार सब कुछ अपन देखेंगे फटाफट से और फिर मूव ऑन कर जाएंगे सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर तो गाइस फाइनली चैप्टर नंबर फोर इज आल्सो कंप्लीटेड अब आपके ऊपर है अच्छे तरीके से इसको पढ़िए मैं रिवीजन का वीडियो डाल दूंगा सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना चैप्टर अगर पसंद आया तो लाइक करना चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए गए हैं अगर आप चाहें तो उसको वहां से परचेस कर सकते हो और अगर नहीं तो आप यहां पर इसके नोट्स बनाइए बहुत बेहतरीन पढ़ा रखा है बिल्कुल जरूरत नहीं किसी को नोट्स लेने की अगर आपके पास में खुद से नोट्स बनाने की एफिशियं है तो चलिए आज की तो क्लास चलिएगा खत्म करते हैं अगली मुलाकात होगी रिविजन में तब तक के लिए बब बाय अट